अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत से दिनों से एक ही क्वेश्चन आ रहा था मुझे। शारजा इस्लामिक के ऐप में हम लॉगिन होना चाह रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ बताएं कि हमारे पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड को कैसे रीसेट करते हैं, वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने पासवर्ड को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं अगर आप शारजा इस्लामिक ऐप का पासवर्ड भूल चुके हैं या आपको इशू आ रहा है कि आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं दोबारा से ऐप में, वो आज आपको बताऊंगा। प्लस आप लोगों ने कहा कि बहुत से लोग शारजा इस्लामिक में कार्ड अप्लाई करते हैं लेकिन उनका कार्ड उनको डिलीवर नहीं होता, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कार्ड की डिटेल कहां से देख सकते हैं। जब आप अपने ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने कोई भी डिटेल नहीं आती, तो ये प्रीपेड अकाउंट है जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इसका आप कार्ड कहां से देख सकते हैं, इस कार्ड की डिटेल कहां से देख सकते हैं, अपने लिए फिजिकल कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कार्ड को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैलरी हासिल कर सकते हैं। अभी चलते हैं स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप लोग जो है इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, अपने लिए कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं और सैलरी का ऑप्शन कहाँ से देख सकते हैं। जी सबसे पहले आपने क्या करना है कि शारजा इस्लामिक के ऐप पे आ जाना है। जैसे कि ये मेरे पास ऐप डाउनलोड हुआ तो शारजा इस्लामिक का ऐप जो है वो मैं ओपन कर लूँगा, इस तरह का इंटरफेस आता आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है सिक्योर लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है ओपन अकाउंट। तो अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन करना है तो आप सिंपली ओपन डिजिटल अकाउंट पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। आप सबसे पहले रजिस्टर कैसे कर सकते हैं अपने आप को, तो आप सिंपली यहां पर रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएं, जहां पे मैं आपको एरर दिखा रहा हूं, आपने सिंपली इस पर क्लिक करें। अपने यहां पर लिखा हुआ है इंटर कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर, अगर आपके पास अकाउंट नंबर भी नहीं है अभी तक, कार्ड नंबर भी आपके पास नहीं है, तो सिंपली आपने यहां पर अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और मोबाइल पर आपको OTP आएगा, OTP आपने यहां पर डालना है और उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब आपने सिक्योर लॉगिन पे चले जाना है अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, क्या आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं। अगर आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं यहाँ पे, तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है रीसेट पासवर्ड पे, रीसेट पासवर्ड पे आप क्लिक करें। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भाई अपना मोबाइल नंबर आप डालें, यहाँ पे लिखा हुआ इंटर कार्ड और अकाउंट नंबर, अगर आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर नहीं याद तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपने यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे, जो OTP क्रिएट करेगा आपके मोबाइल के नंबर पे आपने रजिस्टर किया था वो डालना है, और अपनी यूज़र आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। यूज़र आईडी डालने के बाद आप सिंपली जो है यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। सिंपली आप इस तरह से इसको रीसेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फेस लगाया हुआ है तो मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फेस से लॉगिन करूँगा। अब ये देखें जी मैं लॉगिन कर चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं आप मैं शारजा इस्लामिक के ऐप में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको कोई डिटेल नज़र नहीं आ रही, तो आपने करना क्या है, आपका कार्ड कहाँ पे मिलेगा। जो लोग बोलते हैं हमारा कार्ड हमें नज़र नहीं आ रहा, डिटेल नज़र नहीं आ रही, तो आपने सिंपली यहाँ पे अकाउंट नज़र आ रहा है नीचे, फिर क्रेडिट कार्ड नज़र आ रहा है, फाइनेंस नज़र आ रहा है, इसको स्वैप करें आप, और यहाँ पे लास्ट में आपको नज़र आएगा प्रीपेड कार्ड, तो सिंपली आपने प्रीपेड कार्ड पे क्लिक करना है, तो ये आपका कार्ड यहाँ पे आपका कार्ड आ जाएगा और आपके कार्ड की डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप अपने कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली आपने आपका कार्ड अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अप्लाई फॉर प्रीपेड कार्ड, तो फर्स्ट स्टेप होगा इनिशियल रिपोर्ट होगी, दूसरी सबमिट होगी, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपकी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। सिंपली आपने अप्लाई के कार्ड पर जाना है, अप्लाई कार्ड पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है टाइप ऑफ प्रोडक्ट पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है शारजा इस्लामिक प्रीपेड कार्ड, सिंपली आप यहां पे क्लिक करें, डेट ऑफ प्रोसेसिंग ये है और कंटिन्यू कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास पूछ रहा है कि भाई अपना पासवर्ड डालें और उसके बाद थर्ड आपका आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह आप अपने लिए कार्ड को जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और सैलरी एडवांस के लिए अगर यहाँ पे देखें आपको, तो यहाँ पे सैलरी एडवांस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे मोर पे जाके क्लिक करना है, अपना अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ रही हैं, सबको आपने टिक टिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो इसी तरह आप अगर आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो अपनी आप एडवांस सैलरी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन मंथली जो है वो 200 का आपसे काटे जाएंगे पैसे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ डिटेल्स नहीं मिलती हैं ये कार्ड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे थ्री बार्स पे चले जाएं, थ्री बार्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट्स पे चले जाएं, और यहाँ पे आपको अकाउंट मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, प्रीपेड कार्ड मिल जाएगा, डिपॉजिट मिल जाएगा, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। पेमेंट में अगर आप जाएँ तो आपको बिल पेमेंट डोनेशन सब कुछ आ जाएगा। ट्रांसफ़र में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफ़र मनी माई बेनिफिक्चरी आप पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आपकी कोई बेनिफिक्चरी नहीं है, किसी को पैसे भेजे नहीं है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली जाएँ मोर पे जाएं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज मिल जाएंगी, सर्विस रिक्वेस्ट, डिपॉजिट, उसके बाद आप देखते हैं फाइनेंस, मैसेज सेंटर। तो अगर आपका कार्ड नहीं होता या कोई इशू होता है आप, तो आप मैसेज सेंटर पे सिंपली जाएं,
और ये आपका मैसेज सेंटर ओपन हो जाएगा। इनबॉक्स में जाके आप इनको इनके साथ चैट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कॉल पिक नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, आप अगर आगे जाएं तो नोटिफिकेशन आपको आ जाती है, कॉन्टैक्ट इनके पास ये है, कॉन्टैक्ट अस से करें तो ये इनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इस पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी फाइल कंप्लेंट को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पे क्लिक करके आप टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप माय प्रोफाइल पे चले जाएं। प्रोफाइल पे जाने के बाद अपनी प्रोफाइल की डिटेल देख सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं, अपने कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप पासवर्ड है तो उसको रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा अपना प्रीपेड अकाउंट, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं, अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।